बिजली के डिजिटल मीटर आज लोगों की जरूरत बन गए हैं। पहले जो बिजली के मीटर लोगों के घर में लगाए जाते थे, उससे अक्सर उपभोक्ताओं को शिकायत रहती थी। कभी अकाउंटेंट की गलती से अत्यधिक बिल आ जाता था, तो कभी एक एक साल साल भर का बिल आ जाना लोगों के लिए बड़ी समस्या बने हुए थे। लेकिन अब अत्यधिक बिजली के बिल से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, इसको लेकर अब डिजिटल मीटर लोगों के घर में लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के यह सारी समस्याएं दूर हो रही हैं। हालांकि इन डिजिटल मीटर से भी लोगों की कई समस्याएं जुड़ी है। बावजूद इसके लोगों के लिए बिजली का भुगतान करना अब काफी आसान हो गया है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण बिजली के इन डिजिटल मीटरों की गुणवत्ता भी काफी अच्छी बताई जा रही है। अब आप घर बैठे मोबाइल से अपने मीटर को रिचार्ज कीजिए और आवश्यकता अनुसार बिजली जलाइए। अब आपको बिजली का भुगतान करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने और ना ही विभाग के किसी अकाउंटेंट क्लर्क के चक्कर। शहरी क्षेत्र में तो बिजली के प्रीपेड मीटर लगने काफी पहले से ही प्रारंभ हो गए थे, लेकिन जिले का ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इस प्रीपेड मीटर से दूर था। परंतु सरकार के निर्देश पर अब बिजली विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह डिजिटल मीटर लगाने जा रहा है। इसे लोग स्मार्ट मीटर भी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन डिजिटल मीटर को लगाने की शुरुआत भी हो गई है। इसको लेकर कदवा प्रखंड के सोनौली प्रतिष्ठा भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारियों ने विधिवत फीता काटकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन डिजिटल मीटरों को लगाने की शुरुआत कर दी। इस कार्यक्रम में मौजूद विद्युत विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर इमरान नजीर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को जल्द से जल्द अपने घरों और अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मीटर को बदलवा लेना चाहिए, इससे उनका काफी फायदा होगा। डिजिटल मीटर के बारे में काफी सारी अफवाहें भी फैल रही है, लगातार लोग कह रहे हैं कि इससे काफी सारी घाटा है, काफी नुकसान भी है, इसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, ये जो है हमारा जो डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर के साथ आप स्मार्ट मीटर कहिए कि इसमें हमें पर डे का कैलकुलेशन, क्या हम खपत कर रहे हैं, क्या मेरा खपत हो रहा है, कितना मेरा पैसा कट रहा है, वो सारा चीज़ जानकारी मिलता है। एक एक पैरामीटर यहाँ पे आप हर चीज़ एनालाइज खुद से कर सकते हैं, तो इसमें उस तरह की जो बातें हैं वो बस अब आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिल आता है वो एज पर टैरिफ ही आता है, जो BERC के अकॉर्डिंग जो टैरिफ है उसी के अकॉर्डिंग ही टैरिफ के अकॉर्डिंग बिल आता है। जी, क्या कुछ कहना चाहिए? ठीक है, बढ़िया है, और ये होना ही चाहिए, सभी लोगों को लगवाना चाहिए। क्योंकि पहले क्या था कि अब मान लीजिए हम घर पे नहीं है और हमारा मीटर रीडिंग करने वाला आदमी घूम के चला गया, टेंशन हो जाता था। अब क्या है कि अपना जितना पैसा रहेगा उस हिसाब से खर्च होगा और लोग सजग भी रहेंगे। पहले था कि लोग लापरवाह थे, अब थोड़ी सी लापरवाही नहीं चलेगी तो बढ़िया, अच्छा है। हमारे बचत के लिए सरकार ऐसी कर रही है और हमारी सुविधा बेहतर हो रही है कि हम पैसा डालेंगे और फिर हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। अफवाह फैल रही है डिजिटल मीटर के बारे में, क्या कुछ लोगों को सुझाव देना चाहिए? देखिए, अब तो मैं कंज्यूमर बना हूँ, ये सुझाव तो मैं यूज करने के बाद दूंगा, अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि मीटर अच्छा या खराब है। लेकिन सरकार यदि दे रही है और विभाग दे रही है तो कुछ बेहतर के लिए ही दे रही होगी, लेकिन इसको पुख्ते तौर पर हम नहीं कह सकते हैं आपको ये बताने में, हम असमर्थ हैं कि यह अफवाह सही है या गलत है। लेकिन फिलहाल हमने इसे अपने मन से लगवाया है, विभाग को भी साधुवाद देते हैं कि पहला इस जोन का कंज्यूमर मुझे चुना, इसके लिए विभाग को पुनः जय साहब को और जितने बड़े पदाधिकारी हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ। ये एक तो हम लोग जो है आज से जो है ये कटिहार जिला के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हम लोग जो है स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले जो शहरी क्षेत्र में लगाने का काम हुआ और आज से जो ग्रामीण क्षेत्र में आज तारीख से लगना शुरू हो गया। इस मीटर लगाने से फायदा ये होगा कंज्यूमर को, पहले क्या होता था मीटर रीडर आकर के उनका बिलिंग करते थे और तब वो पैसा जमा करते थे। इसमें क्या होगा, कोई मीटर रीडर नहीं आएगा, बिजली विभाग और कंज्यूमर के बीच में कोई नहीं रहेगा। पहले मीटर रीडर रहा करता था जिसके कारण से मैनुअल रीडिंग होता था, जिसके कारण से जो त्रुटि होता था, कभी कभी बिल गलत भी हो जाता था, तो इसमें बिल गलत होने का कोई चांसेस नहीं है और ऑटोमेटिक रीडिंग इसका होता है। अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है तो 3 दिन पहले मैसेज भी आता है कंज्यूमर को कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो वो अपने आप रिचार्ज कर देते हैं। इससे एक चीज और फायदा है कि आप पहले क्या होता था कि आपका बकाया रहने के कारण जो लाइन कट जाता था, तो आप जाते थे पहले ऑफिस जाते थे, वहां जाकर के फिर रसीद कटवाते थे, तब आपका लाइन जुड़ता था। इसमें क्या है, अगर घर से कुछ दिन के लिए बाहर भी चले गए हैं, अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया, जब आप घर आते हैं
जैसे ही आप रिचार्ज करेंगे आपका ऑटोमेटिक जो है लाइन जुड़ जाएगा। इस मीटर में क्या है कि पहले आपको नहीं पता चलता था कि मेरा कितना खपत कर रहे हैं, मेरा क्या बिल आएगा नहीं आएगा, वो नहीं पता चलता था। लेकिन इस स्मार्ट मीटर में क्या है, डेली आपका कितना खपत हो रहा है वो भी अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं, और आपका जो खपत है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी खासियत है इस स्मार्ट मीटर में। जो बकाया राशि जिनकी अभी तक बाकी है, हाँ, तो किस प्रकार से मीटर मीटर किया जाए? ये जो बकाया राशि जिनकी यहाँ है उनके यहाँ भी लगाया जाएगा, और जो बकाया राशि है उनका जितना बिल बकाया है उसको 300 दिन में क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। 300 दिन में वो पैसा जो है ड्यूज भी कटेगा, जो वर्तमान में खपत करेंगे वो भी साथ साथ कटेगा, मतलब एकाएक पैसा नहीं कट जाएगा उसका जो। तो ये सुविधाएं दी गई है उनके लिए, बहुत अच्छा है सुविधा कि 300 दिन में अपना जो है वो अपना बकाया राशि क्लियर कर सकते हैं। जिनको अगर इच्छा है कि नहीं हम 300 दिन तक नहीं रखेंगे बकाया, हम आज कर देंगे, तो वो भी कर सकते हैं, अपना बकाया राशि जो अपना क्लियर कर सकते हैं। दोनों सुविधा है इसमें।